खबरें जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। हाट कोक मिल स्व सहायता समूहों की प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय पोषण माह अंतर्गत हो रहे विविध आयोजन आंगनवाड़ी में स्वच्छता एवं भोजन की गुणवत्ता रखने के दिए निर्देश। खबर आंवला से मिल रही है, जहां राष्ट्रीय पोषण माह अंतर्गत बुधवार को महिला एवं बाल विकास विभाग आंवला के बैनर तले स्व सहायता समूहों की एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन कार्यालय सभागृह में आयोजित किया गया था। कार्यालय में आंगनवाड़ी केंद्रों में गर्म पका भोजन हॉट कुक मील प्रदान करने वाले स्व सहायता समूह अध्यक्ष सदस्य व परियोजना विभाग अधिकारी चयेंद्र कुमार बुड़ेकर सहित ECCE समन्वयक निहारिका त्रिपाठी, पर्यवेक्षक राजश्री अहिरे, पुष्पा तिवारी, ललिता निरापुरे, देवा बेले, भावना चौधरी, पुष्पा भातरकर, मनीषा शिंडे मौजूद रहे। कार्यशाला में मौजूद समूह सदस्यों एवं पर्यवेक्षकों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए परियोजना अधिकारी बुड़ेकर ने कहा, ध्यान रहे माह सितंबर 2019 को विभाग द्वारा पोषण माह के रूप में मनाया जा रहा है, जिसमें भोजन की गुणवत्ता सर्वोपरि है। इसलिए आप सभी सुनिश्चित करें कि बच्चों को आंगनवाड़ी केंद्रों में समूह द्वारा प्रदान किए जाने वाले भोजन गुणवत्ता युक्त हो। अच्छे भोजन से जहां ननिहाल संतुष्ट होंगे, वहीं लोगों में मैसेज भी अच्छा जाएगा, जिससे केंद्र में बच्चों की दर्ज संख्या में भी इजाफा होगा। साथ ही किचन शेड में बेहतर सफाई व्यवस्था एवं डिब्बा बंद भोजन सामग्री का उपयोग हमेशा करने व खुले में बिकने वाली सामग्री का उपयोग नहीं किए जाने की बात भी कही गई, जिससे यह उम्मीद की जा रही है कि लोग अपने बच्चों को आंगनवाड़ी केंद्रों में नियमित भेजने को तैयार होंगे। कार्यशाला में परियोजना अधिकारी बुड़ेकर ने समूह के सदस्यों को निर्देशित कर कहा, बच्चों को प्रदान किए जाने वाले नाश्ता एवं भोजन में लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये आप सुनिश्चित करें मानक स्तर का भोजन बच्चों को प्रदान किया जाए, भोजन वितरण पर नजर रखी जाए, औचक निरीक्षण पर कमियां पाई जाने एवं किसी भी केंद्र की शिकायत मिलने पर संबंधित समूह के ऊपर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही शिकायत उच्च स्तरीय जाँच कमेटी को भी अग्रेषित की जाएगी। सर, आज का जो कार्यक्रम आयोजित किया गया था, प्रशिक्षण था, इस बारे में बताइए। आज आंवला परियोजना अंतर्गत वर्तमान में पोषण माह जो चल रहा है, उसके अंतर्गत आज समूहों का उन्मुखीकरण प्रशिक्षण था। समूहों को यह अवगत कराने के लिए आज यहां बुलाया गया था कि आप लोग भोजन किस तरह से बनाएं और जो खाने की गुणवत्ता है वो कैसे रखें और अन्य चीजों के लिए बताया गया था। भोजन बनाने की विधि इत्यादि से आज उनको अवगत कराया गया है। साथ ही उन समूहों को भी वार्निंग दी गई है जो समूह नाश्ता नहीं दे रहे हैं, और उन कार्यकर्ताओं के साथ अच्छे से समन्वय रख के उनको कार्य करने के आज हिदायत दी गई है। समूहों को यह भी अवगत कराया गया है कि जो रसोईया है, रसोईया साफ सुथरा होकर भोजन तैयार करे, और जो अपना किचन है, किचन को भी साफ सुथरा रखे, इससे हेल्दी और हाइजीनिक खाना बन सके, आदि निर्देश आज दिए गए हैं। और वर्तमान में जो राष्ट्रीय पोषण माह चल रहा है, जो पूरा महीना भर से संचालित है और परियोजना अंतर्गत हमारे द्वारा विभिन्न कार्यक्रम भी किए गए हैं, उसी कड़ी में आज का कार्यक्रम था। आज हमने क्विज प्रतियोगिता भी कराई है, वो भी मिडिल स्कूल में संचालित हो रही है। तो जो पूरा महीना भर हमारा कार्यक्रम चला है, लगभग वो अंतिम पखवाड़े की ओर है, और हम लोगों ने चाहा कि आज समूह का कार्यक्रम रखे और समूह को निर्देशित करे कि जो अहम कंपोनेंट है हमारा भोजन, जो बच्चों को हमको देना पड़ता है और जो अनिवार्य 300 दिवस देने की बाध्यता है, उसमें क्लियरिटी लाने के लिए आज समूह का हमने कार्यक्रम रखा है। हमारे द्वारा आज समूह को निर्देश भी दिए गए हैं कि आप लोग अगर लापरवाही करते हैं नाश्ता देने में या भोजन देने में, या किसी कारणवश आप लोग नाश्ता नहीं देते हैं या भोजन नहीं देते हैं, उसके लिए कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। और SDM महोदय की अध्यक्षता में कमेटी बनी हुई है ब्लॉक स्तरीय, उस कमेटी के सामने इस मामले को रख के समूह का अनुबंध निरस्त किया जाएगा। ये आज समूह को निर्देश दिए गए हैं मेरी ओर से। खबर समय जगत के लिए आंवला से जिला प्रतिनिधि हरिप्रसाद गोही की रिपोर्ट।